मेल और फीमेल का कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं, क्योंकि मेल से बना मोचू और फीमेल से बना पोंचू। टाइगरनिस्ट में जाके सुशील सर सब बताएगा, हम भी बताएगा, हम दोनों मिलके सब बताएगा। फीमेल का कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं, क्योंकि मेल से बना मोचू और फीमेल से बना पोंचू। आप देख सकते हैं दो रिवर यहाँ पे मिल रही है। तो अभी हमारे गाइड जी बता रहे हैं वो जो उधर से आ रही है वो पोंचू रिवर है और ये है मोचू, और दोनों मिलके जो आगे रिवर बनता है उसको बोलते हैं पोंचू मोचू रिवर, है ना। तो ये पोंचू मोचू रिवर बना के जो मिलता है आगे तो उसको उसका नाम पड़ जाता है पुनातांचू। अगर आप ये रिवर फ्लो देखेगा तो पोंचू का रिवर फ्लो है वो थोड़ा रफ होगा, रिवर का करंट भी थोड़ा स्पीड में जाएगा, और अगर ये आप लोग मोचू का रिवर फ्लो देखे तो वो बहुत स्मूथ से शान से जाता है। हाँ। और दोनों मिला के पुनातांचू कहता है। अब ये देख लो ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से जा रहा है मोचू, और उधर वो देखो वहाँ पे रैपिड बनते हुए दिख रहे होंगे वो है पोंचू। इससे आप हाँ पैरों पे ठंडक पड़ गई, और ये आ रही है राफ्टिंग। Okay, bye bye Timbo, we are off to Paro now. ज़्यादा दूर नहीं है और हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि करीब पुनाका से पारो 4 घंटे का रास्ता था और करीब ऑलमोस्ट मोर देन 3 आवर्स हम लगातार राइड कर चुके हैं और अब थक गए हैं, तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट 1968 में बना हुआ है और इट इज द ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द कंट्री आउट ऑफ 4 एयरपोर्ट्स। भूटान में 4 एयरपोर्ट है लेकिन ये सिर्फ ये पारो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर। अच्छा, भाई पारो हम पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा उदया। चलो बैग निकाल देते हैं। एक रूम टूर दे देता हूँ, छोटा सा रूम है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल। एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ पे थोड़ा ये हिसाब किताब है, बेड दिया है यहाँ पे,
ये शीशा दिए लाए यहाँ पे, टीवी दिए लाए यहाँ पे, और यहाँ पे नहाने का जुगाड़ दिया हुआ है। बड़ा क्यूट सा रूम है, ज़्यादा कुछ ना लग्जरियस नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक जो है, मतलब एक बेड चाहिए सोने के लिए मेन, और एक वॉशरूम जो क्लीन होना चाहिए, ये है यहाँ पे। अब थोड़ा आराम करेंगे, काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग थी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्योंकि गाइस सूरज सर है ना, सूरज सुशील यार तो ऑफ कर दो, नहीं कोई नहीं, हो जाएगा। ओके गाइस, सुशील सर और अरुण सर के साथ अब होटल से टाइगर नेस्ट में निकलने वाला है। थोड़ा अरुण सर को वेट कर रहे हैं, टाइगर नेस्ट में जाके सुशील सर सब बताएगा, हम भी बताएगा, हम दोनों मिलके सब बताएगा। एंजॉय द वी कल रात। हाँ, तो कह रहे कि बेसिकली ये बात है कि हम अभी जा रहे हैं टाइगर मॉनेस्ट्री में, जिसके लिए ये करीब कितने घंटे का ट्रैक रहने वाला है ये? 2-3 hours का ट्रैक तो जरूर होगा, मतलब वन साइड ऊपर जाएगा ना। हाँ, तो करीब 3 घंटे तो हमें लगेगा, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल नहीं है ऐसी ट्रैकिंग के लिए, तो थोड़ा रुक रुक के जाएंगे। हाँ, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको खास में अपने ध्यान में रखनी है, ये बातें, जैसे कि अगर आप जा रहे हैं नीचे, आपको जितना भी गर्म लगे, लेकिन मेक श्योर एक ऐसी जैकेट जरूर लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि ऊपर थोड़ा ठंड लग सकता है। और उसके बाद थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा दिक्कत है, तो बेटर कैरी अ वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि इन बिटवीन अगर आपको जरा सा भी थोड़ा एग्जॉस्ट होते हो, तो आप साथ साइड बाई साइड अपना वाटर ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप किसी गाड़ी वाड़ी से आ रहे हैं, तो टाइगर नेस्ट का जो पार्किंग है, वहां तक आपको गाड़ी ले जाने की परमिशन है, उसके बाद आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ओके गाइस, अब हम किचू से जा रहे हैं। अगर वहाँ पे अब वहाँ पे जो भी पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ ये रास्ता से जाएगा तो किचू टेंपल में पहुँचेगा। तिब्बत का एक धर्म राजा सोंगसन गंपो था उसका नाम, और इन हिज मिशन ऑफ बिल्डिंग 108 temples ही बिल्ड 2 temples हियर इन भूटान, इन वन इज एट पारो हियर एंड इट्स कॉल्ड किचू लागंग, वन इज एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान एंड इट इज कॉल्ड जम्बे लागंग। Thank you.